राम राम साथियों, के हालचाल। पाटीदार खेती बाड़ी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आ गए हैं फिर से हम एक और नई वीडियो में। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं गाय, अगर आप पशुपालन करते हैं तो मैं एक ऐसा सिस्टम लेकर आया हूं जिसमें आपको गाय को छोड़कर कहीं पे ले जाकर पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कुछ सिस्टम जिसमें आप पशुपालन करते हो तो उनका बहुत अच्छे से मैनेजमेंट। तो देखिए किसान साथी, आइए मेरे साथ। ये देखिए गाय, यहाँ पर दो गाय बंधी है। तो इनको देखिए हमने किस प्रकार से, ये देखिए यहाँ से हमने पानी का सिस्टम बनाया है। इसमें गाय जब चाहे जब पानी पी सकती है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसमें आप 6 से 7 गाय पाल सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया किसान साथियों, इसमें हमने एक धामा टाइप में ले लिया, स्टील का कुछ सामान ले लिया है जिसकी गहराई मतलब आप मान लीजिए 3 से 4 इंची होना चाहिए। इसमें हमने छेद करके जो ये पाइप लगाते हैं ये इसमें लगाकर पूरा इसका कनेक्शन दे दिया है। तो हमने सबका एक लेवल करके पूरा फिट कर लिया है। तो ये देखिए गाय किस प्रकार से बंधी है। और गाय के लिए देखिए हमने नीचे काउपेड भी लगा रखा है, ये देखिए रबर का। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसान साथियों जब हमारी गाय शौचालय करती है, सोच करती है, उनका पानी वानी निकलता है, इधर से धोते हैं तो यहाँ गीला रहता है तो इनका पैर फिसल सकता है। उसके लिए हमने इसमें यहाँ पर एक कॉपेट बिछाया है। तो देखिए हमने यहाँ पर गायों के लिए देखिए फोगर भी व्यवस्था की है गर्मी में चलाने के लिए, क्योंकि गर्मियों में चद्दर में गर्मी ज्यादा होती है तो हम उस समय इसमें फोगर भी चला सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छा दोस्तों इससे अच्छा ठंडा मौसम रहता है, इसमें हमारे पशु को आराम रहता है, गर्मियां ज्यादा नहीं लगती है। तो ये फोगर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फोगर हमने इतने बड़े केबिन में लगाए। इसमें समथिंग 10 से 12 पशु आ सकते हैं। अगर आप इसमें पशुपालन करते हो तो आपको पता होगा किस प्रकार से उसमें मक्खियां अटैक करती है। तो हमने ये जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया। तो चलिए हम इसको आगे और डिटेल में बताते हैं किस प्रकार हमने इसका वहां से बाहर से इसका वाटर लेवल किया है। तो ये हमने पूरा कनेक्शन करवा लिया था प्लम्बर से। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ बाहर चल के। किसान साथियों, बाहर हमारी पानी की एक टंकी है। तो हमने यहाँ से देखिए ये पानी की हमारी टंकी है, उससे इसकी हाइट ऊपर है। और हमने एक ये देखिए हमारा एक बकेट लिया है, 25-50 लीटर का समथिंग है ये। तो इसमें हमने क्या कनेक्शन किया देखिए दोस्तों, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन दोस्तों अंदर से आई है, ये जो हमने वहाँ पे कनेक्शन दिया ये वाली लाइन, देखिए ये वाली लाइन, इसका हमने यहाँ से कनेक्शन दे दिया है। ये यहाँ देखिए खुला है, यहाँ से इसका नीचे कनेक्शन दे दिया है। और ये वाली जो नेट है, ये छोटी वाली आई है, ये वाली हमने इसमें पानी भरने के लिए रखी है। तो जो ये वाला कनेक्शन है, ये वाला उस वाले पानी के लेवल से पूरा एक जैसा रखा है ताकि जब गाय पानी पिए तो ये भरना स्टार्ट हो जाए। तो इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं क्या हमने इसमें लगाया है। तो अंदर करके देखिए, देखिए इसमें हमने ये वॉल सेट लगाया है। इसमें वॉल आता है, इसमें क्या रहता है किसान साथियों, जब ये पानी निकलेगा तो ये वॉल ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा और यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं ये जो बकेट है ये इसमें भर के आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पानी इतना कम हो गया तो इसके बाद देखो अब हम इसको चलाते हैं तो ये इसमें पानी निकलना स्टार्ट हो गया। और ये जैसे ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आया लेवल से, ये बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं उधर आपको फिर से दिखाता हूँ किस प्रकार पानी गाय पिएगी और यहाँ से पानी उधर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम इसको ढक्कन को ऐसे लगा देते हैं। और दोस्तों इसको अगर साफ सफाई करना रहता है आपको तो हमने बाहर एक वॉल दे रखा है बाहर, वो हम आपको दिखा देंगे आगे। तो चलिए किस प्रकार से हम उसको खाली करके दिखाते हैं पानी को। तो दोस्तों चलिए दिखा रहे हम किस प्रकार इनका सबका लेवल एक जैसा है। और ये देखिए ये जैसे कि यहाँ पर इसका लेवल पूरा वही है। अगर हम इसको खाली करते मान लो गाय पानी पी रही है, तो देखिए कि अगर मान लो गाय पानी पी रही है, ये गाय ने पानी पी लिया, जैसे गाय पानी पीती रहेगी और जो हमारा कनेक्शन है वहां पे
ये देखिए दोस्तों, इसमें से पानी ये रिटर्न आने लग गया। देखिए ये देखिए, इसमें ये फिर खाली होगा, गाय फिर पानी पिएगी, ये फिर पाजी, क्योंकि हमने इसका और उस बकेट का जो हमने बताया था उसका पूरा एक लेवल कर दिया है। तो इस प्रकार से देखिए, वो सारे भी पानी पिएगी गाय, फिर वो फुल हो जाएगा। यहाँ तक हमने इसका जहां तक लेवल दिया है। और ये देखिए इस प्रकार क्या पानी शानदार आ रहा है। इसमें गाय जितना चाहे जब पानी पी सकती है। ऐसा नहीं है कि हमें उसको सुबह से पानी पिलाना पड़ेगा, शाम को पानी पिलाना पड़ेगा, दिन में पानी पिलाना पड़ेगा। उसको जब पानी पीना है वो उसके हिसाब से पानी पी लेगी। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता।